लेकिन फटाफट से जान लेते हैं, रुचित हमारे साथ मौजूद भी हैं। रुचित बताइए, निफ्टी पर अभी आप क्या कर रहे हैं? रुचित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार देख लेते हैं, लेकिन फटाफट से मार्केट्स का ब्रॉड व्यू जब तक रुचित हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे जानेंगे। लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखेंगे, एफएमसीजी और आईटी यहां पर हरे निशान के साथ कामकाज हो रहा है। ये निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं। अब देखिए, चारों के चारों अभी आईटी स्पेस से हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स इस वक्त बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं 3% तक के आसपास की तेजी। रुचित है हमारे साथ। रुचित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका मिड कैप बाजार में। निफ्टी पर अभी आपकी क्या रणनीति है? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हमने देखे तो मार्केट्स में हम पिछले लगभग एक दो वीक से बात कर रहे हैं कि जब ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट थ्योरी काम आती है टारगेट प्रोजेक्शन के लिए। पिछले करेक्शन का 161.8% रिट्रेसमेंट 10,480-10,490 के करीब है। तो हम देख रहे हैं कि कल के दिन से ही ये जो 10,480 का रेजिस्टेंस था वहाँ पे ही मार्केट अटक रहा है। और आज आईटी क्षेत्र को छोड़ के बाकी किसी ऐसे ब्रॉड मार्केट में ऐसा पार्टिसिपेशन पॉजिटिव साइड नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक अब हम एक शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन फेज देखेंगे जहाँ पे निफ्टी 10,350 से लेके 10,500-10,150 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड करेगा। तो इंडेक्स जब हायर एंड पे आता है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर एक हफ्ते के व्यू से करना है तो 10,450 के करीब जब इंडेक्स रहते हैं तो वहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 10,510 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 10,350 का टारगेट रहेगा। चलिए ठीक है, तो चलिए ये कॉल्स निफ्टी पे सेल करने की राय 10,350 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बार मिड कैप जो सेगमेंट है, सेक्टर्स हैं, वहां पर भी नजर डाल लेते हैं। जो चढ़ने वाले शेयर्स हैं उनमें एनबीसीसी में आज अच्छी तेजी है, 8% की मजबूती। इसके अलावा ओरिकल फाइनेंस, एसजीवीएन और टोरेंट पावर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और गिरने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो आज अदानी पावर, जो पावर शेयर्स हैं, वहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। अदानी पावर में कमजोरी है। उसके अलावा यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, कुछ पीएसयू बैंकों में भी आज कमजोरी है, लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए वक्त है कुछ कॉलर्स को भी शो में शामिल करने का। हमारे साथ रुचि जैन जुड़े हुए हैं भुज से, हमारे साथ हिरेन जी जुड़े हैं। हिरेन नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हिरेन, आपको आवाज आ रही है? चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। डीमार्ट के शेयर्स उन्होंने लिए हैं 150 शेयर्स 1268 के लेवल पर और नुकसान हो रहा है इनको, और आज भी ये स्टॉक लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। रुचित, क्या सजेस्ट करेंगे? डीमार्ट में रीसेंट लिस्टिंग है, ज्यादा लंबे चार्ट तो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, बट क्या आउटलुक देंगे डीमार्ट पर आप? लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक ने काफी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हमने देखे, लेकिन इनकी खरीद भाव को देख के लग रहा है कि लगभग ऑलमोस्ट जो टॉप रिसेंटली बनाया था अक्टूबर के सेकेंड वीक में, उसके आसपास ही इनकी इनकी इनके परचेस प्राइस है। आई थिंक यहाँ से आने वाले समय में एटलीस्ट एक से डेढ़ महीने तक एक कंसोलिडेशन फेज इस स्टॉक में रहना चाहिए। तो यहाँ से कोई सिग्निफिकेंट अप मूव नियर टर्म में एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आपका व्यू आने वाले 6 से 8 महीने तक रुकने का है तो आप रुक सकते हैं इसमें। एक कंसोलिडेशन फेज के बाद में ये प्रोबेबली फिर से एक अपट्रेंड का रिजम्पशन फिर हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, अगर आप एकदम नेक्स्ट एक वीक या दो वीक के नजरिए से देख रहे। चलिए ठीक है, आपको बताया गया है कि अगर आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। एग्जिट की अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो फिलहाल एग्जिट कर लीजिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए इस शेयर में ऊपर जाने का पोटेंशियल है। कंसोलिडेशन फेज के बाद ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अगले दर्शक से बात करते हैं, अनिल है हमारे साथ दिल्ली से। अनिल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है आपका। जी, मैंने कवरी शीट्स लिए 538 के भाव से। चलिए, मुनाफा अभी आपको हो रहा है, 555 के लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं। क्या नजरिया आपने अपने लिए सोचा हुआ है? तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्या करना है? ठीक है, राय दिलवा देते हैं। रुचित, कावेरी सीड्स के एक बार चार्ट्स देखकर इनको बताइए। हालांकि हमने देखा है मॉनसून अच्छा होने की वजह से इस पूरे ही लास्ट 4-5 मंथ्स की अगर बात करें, इस पूरे स्पेस में काफी बस भी रहा है। कावेरी सीड ने भी अच्छा परफॉर्म दिया है यहाँ पर, अब आगे क्या कर सकते हैं ये? इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि हम ऑल्दो पिछले 3 महीने से कंसोलिडेशन फेज हम स्टॉक में देख रहे हैं, लेकिन वीकली चार्ट्स के ऊपर देखते हुए लग रहा है कि कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे हो रहा है। इन्होंने जैसे बताया कि इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ये, तो 520 से 600 का रेंज का एक कंसोलिडेशन फेज पिछले 3 महीने से चल रहा है। एक बार इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट आता है फिर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इनको मिल सकते हैं।
तो क्योंकि ये लंबे नो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो मेरी इनको सलाह है कावेरी सीड्स को होल्ड रखने की रहेगी। तो होल्ड करने की राय होगी कावेरी सीड्स में। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमें आया है मुंबई से, समीर जी ने हमें मेल किया है और उनका सवाल अरविंद पे है। 600 शेयर्स इन्होंने 390 के लेवल्स पर लिए हैं, शानदार गेन इनको यहाँ पर हो रहा है, काफी अच्छे लेवल्स पर ले लिया था। रुचित, यहाँ से आपको लेवल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे या बने रहने की राय देंगे? अरविंद में मुनाफा इनको काफी अच्छा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। हमने पिछले कुछ दिनों में इनफैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर में से काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक में दिखा है। पिछले दो तीन दिन से काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी हो रहे हैं, तो ये ट्रेंड जब तक इंटैक्ट है तब तक ये अपनी पोजीशन होल्ड कर सकता है। लेवल वाइज 460 के आसपास एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, 460 के ऊपर निकलता है तो लगभग 485 तक के लेवल्स इनको नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं, और 430 के आसपास ये स्टॉक में अच्छा सपोर्ट प्लेस्ड है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी अब आपको राय मिल चुकी है, आप उसी हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं, हमारे पास एक सवाल आया है, फटाफट से पहले वो देख लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से सूरज का फोन आया हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं। सूरज जी नमस्कार, बताइए कहाँ निवेश किया आपने? नमस्ते मैडम, मैंने HTIL में लिया है 61 के लेवल पे 100 शेयर। ठीक है, और तीन चार महीने के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। ठीक है, HTIL ने भी दो तीन सेशंस में अगर देखें तो अच्छा मूव दिखाया, इनफैक्ट इस पूरे महीने में काफी बार चला भी है। HTIL पर अभी आपकी क्या रणनीति है रुचित, इनको क्या राय देंगे अभी आप? जी, स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर हम दूसरे रियलिटी स्टॉक्स के साथ में कंपेयर करें तो बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक पिछले 4-6 महीने में हमने स्टॉक में देखा है। अभी भी ऐसी कोई साइंस नहीं है कि यहाँ से कि एक मेजर आउट अप ट्रेंड की शुरुआत होगी, तो मेरी इनको सलाह रही है ये स्टॉक में से एग्जिट कर ले। बेहतर रिटर्न्स रियल एस्टेट स्टॉक में जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, लार्ज कैप में DLF है और मिड कैप में कोल्टे पाटिल है। ये दो ऐसे स्टॉक है जिसमें थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं और HDL में से एग्जिट करना चाहिए। तो ये रहा HDIL में एग्जिट करने की राय होगी इस लेवल पर। अगला सवाल ले लेते हैं इंदौर से, सोनू त्यागी जी का हमें मैसेज आया है और इनका सवाल है भारतीय एयरटेल पे 125 शेयर्स इन्होंने भारतीय एयरटेल के लिए हैं, 485 पर लिए हैं और यहाँ पर भी इनको शानदार मुनाफा हो रहा है, अच्छे लेवल्स पे इन्होंने यहाँ पे खरीदारी कर ली थी, क्योंकि भारतीय एयरटेल का अगर ट्रेंड देखें तो कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन इनको यहाँ पर अच्छा मुनाफा हो रहा है और आज ही भारतीय एयरटेल का शेयर्स करीब 1.25% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहा है। रुचित, भारतीय एयरटेल का स्टॉक ये आपको कैसा लग रहा है? 525 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इनकी जो खरीदारी थी ये 485 के लेवल्स थी, क्या सजेस्ट करेंगे भारतीय एयरटेल पर आप? हाल ही अक्टूबर महीने में हमने स्टॉक में एक बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट देखा है और कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छा हुआ है, तो यूजुअली ऐसे वॉल्यूम्स जब बड़े कंसोलिडेशन फेज के ब्रेकआउट के बाद होता है तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव साइंस होती है। तो मेरी इनको सलाह रही कि भारतीय एयरटेल को होल्ड करें अभी भी, अगर थोड़े डिक्लाइन में अगर मिलते हैं तो फिर से अगर ये चाहे तो और ऐड भी कर सकते हैं। आने वाले 4-6 महीने में ये आउट परफॉर्मर तरीके अभी भी रह सकता है और अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। चलिए, अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है भारतीय एयरटेल में, यहाँ पर रणनीति आपको बताई गई है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, एक और दर्शक का सवाल आया है, फटाफट से देख लेते हैं, ये व्हाट्सएप के जरिए हमें मिला है, ये नोएडा से संकल्प का सवाल है, ये सेलन एक्सप्लोरेशन पर जानना चाहते हैं, 150 शेयर्स है इनके पास और 180 के लेवल्स पर खरीदारी इन्होंने की हुई है और अच्छा खासा मुनाफा हमने देखा है, 250 के लेवल्स पर करंटली ये काम कर रहा है और इसी महीने इस शेयर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है बीते 15-16 दिनों में, क्योंकि मुझे याद है कि फास्ट मनी 10 में मैंने ये शेयर दिया था और तब 195-196 के लेवल्स थे और अब ये 250 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। रुचित, चार्ट स्टडी करके बताइए अभी क्या राय होगी सेलन एक्सप्लोरेशन पर? ये होल्ड करने की सलाह रहेगी क्योंकि स्टॉक के अगर देखें तो पिछले 2-3 सप्ताह से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ऊपर आया है, तो आई थिंक ये आगे भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखेगा। यहाँ पे अभी भी कोई वीकनेस की साइंस नहीं है, वीकली चार्ट्स पर इसको अगर 200 वीक्स का मूविंग एवरेज लगाए तो शॉर्ट टर्म में लगभग 268-270 तक के टारगेट प्रोजेक्शन जिस स्टॉक में आ रहे हैं, तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से भी और मुनाफा आपको हो सकता है और एग्जिस्टिंग पोजीशन पे आप चाहे तो 227 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं कि अगर इन केस ये स्टॉक नीचे आता है और 227 के नीचे जाता है तो भी आप प्रॉफिट में ही एग्जिट रहेगी आपकी। देखने को मिल रहा है, पहले ल्यूपिनी बताइए आप। ये लुपिन में पिछले कुछ दिनों में हमने जो फार्मा सेक्टर में अपमूव देखा था
उसमें जो भी लुपिन में अपमूव आया था उसमें इसका जो मेन रेजिस्टेंस था, क्रूशियल रेजिस्टेंस था 1050 और 1100 के रेंज में, वहीं पे ये स्टॉक अटका और उसे पार नहीं कर पाया। आज की ट्रेडिंग सेशन में नो डाउट ये स्टॉक में काफ़ी शार्प सेलिंग आई और वॉल्यूम्स भी फिलहाल काफ़ी अच्छे हैं, और जो अगस्त महीने के लोस थे 920 के, वो अगस्त महीने के लोस भी इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ब्रीच किए। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नज़रिए से देखे या शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखे तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन है कि जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे वो अच्छे वॉल्यूम से ब्रीच हो गए, तो इस वजह से ये स्टॉक नियर टर्म में और भी प्रेशर में रह सकता है। ठीक है, और एविएशन स्पेस? एविएशन स्पेस में हमने पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी एक अपमूव देखा है, इंडिगो जैसे इंडिगो है, जेट एयरवेज है, इन स्टॉक्स में ऑलरेडी एक अपमूव देखा है और आज की ट्रेडिंग सेशन में ऊपर के लेवल से अच्छी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। तो आई थिंक हम नियर टर्म में यहाँ से अपसाइड थोड़ा लिमिटेड रहेगा और एक कंसोलिडेशन फेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजिशन है तो कोई भी इस खबर के कारण कोई भी अगर अपमूव आता है तो यहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए सकते हैं। रुचित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज के इस खास शो में बने रहने के लिए, अंचल आपका भी इस पूरी खबर को समझाने के लिए हमारे दर्शकों को कि ल्यूपिन पर इसका किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आप सभी का। इस शो को यही माइंड अप करते हैं, हमें लेते हैं इजाजत एक छोटे से ब्रेक के बाद। एफएनओ हॉटलाइन, नमस्कार। नमस्कार।